नमस्कार, हमने चांदमल जी को, ये चांदमल जी हैं और ये जावड़ा गांव जिला नागौर से हैं, और इनकी जो ये फसल है बाजरे की फसल है, जहाँ पे बरसात पे डिपेंड है, यानी कि इनके कोई कुआ या ट्यूबवेल नहीं है, ये पूरी की पूरी फसल बरसात पे डिपेंड है। हमने इनको 18 तारीख को ये ई बायोटोरियम का एग्री प्रोडक्ट दिया था, जो कि टेराटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इसमें अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये सोइल केयर, जो हमारा जमीन के लिए जो प्रोडक्ट है, इसको यूज किया है। और इसका जो डिफरेंस है वो मैं खुद यहाँ पे आया हूँ तो मैंने भी देखा है, बाकी ये खुद किसान है तो ये खुद बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिल रहा है। जबकि बारिश नहीं हुई जिस दिन प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया, उस दिन के बाद से अभी तक यहाँ पे बरसात नहीं हुई है। अगर बारिश हो जाती तो जैसा इनका कहना है, ये कह रहे हैं कि ये फसल लगभग कमर से भी ऊपर तक चली जाती, लेकिन फिर भी ये फसल बिना बरसात के भी, जो बाकी इनका खेत है, टोटल आपका कितने बीघा का खेत है? तीन बीघा का खेत है, जिसमें से कितने बीघा में आपने इस्तेमाल किया? एक बीघा में इन्होंने इस्तेमाल किया 3 बीघा में से, बाकी 2 बीघा का भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या कंडीशन है। अगर हम बात करें इधर का जो मतलब इधर के जो प्लांट है या इधर का जो बाजरे के ये जो पौधे हैं, ये बहुत हेल्दी हैं, और जैसा मैंने देखा जहां पे इन्होंने यूज नहीं किया वो इतने ज्यादा हेल्दी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जोरदार, जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है। मैं अभी इसके साथ में आपको पौधे भी दिखाऊंगा और उसकी जड़ में क्या ग्रोथ हुई और जिसमें इन्होंने नहीं यूज किया उसकी जड़ की क्या कंडीशन है, ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा, दोनों की जड़ का डिफरेंस बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं ये जो बाजरा है, जहां हमने ई बायो एग्री प्रोडक्ट यूज किया है, उसकी जड़ की ग्रोथ प्लस उसका जो मजबूती, वो आप देख सकते हैं यह वीडियो में, और यहां जहां यूज नहीं किया गया उसकी भी आप देख सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट कितना दमदार है और किस तरीके से, यानी कि किसान की आमदनी को दोगुनी करने वाला है। आप और सिर्फ अभी एक ही प्रोडक्ट यूज किया है, सोइल हेल्थ केयर, टेराटेक का सोइल हेल्थ केयर ई बायो एग्री प्रोडक्ट हमने यूज किया है और उसका हमको ये रिजल्ट देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, ये वो जगह है जहां पे हमने सोइल केयर ई बायो का एग्री प्रोडक्ट यूज नहीं किया, ठीक है। और इससे अगर थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे, वो देखिए उस साइड में लास्ट कोने पे, जहां पे आपको बिजली के जो पोल नजर आ रहा होगा, ट्रांसफार्मर नजर आ रहा होगा, उस जगह 1 बीघा में सिर्फ यूज किया गया है और यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। यहाँ अगर पौधों के लिए दिखाऊं, मैं आपको पौधा दिखाता हूं, तो इसकी जो ब्रांचेज है, यानी कि पौधे की जो शाखाएं हैं, वो आप खुद देख पाएंगे, सिंगल सिंगल एक एक है, और आगे की भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक पौधे में इस तरीके से, अब ये देखिए सिंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसके बाद में और दिखाऊं आपको, ये देखिए इस तरीके से है ना। अब प्रॉपर जो रिजल्ट मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो 100% रिजल्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इधर का जो ये बाजरे की जो फसल है वो थोड़ी येलोइश है, येलो पीली पीली है, और जहां पे हमने सोइल केयर यूज किया उधर लास्ट कॉर्नर में, उस पोल के पास में अगर आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के द्वारा, तो वहां पे थोड़ी ग्रीन है, ग्रीननेस ज्यादा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहां डिफरेंस, ये देखिए ठेठ तक ये ऐसा ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारा हमको इस तरीके से ही नजर आएगा। ये दूसरा छोर है जहां पे हमने इसको यूज नहीं किया, टेराटेक की जो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है ई बायो का, वो यूज नहीं किया। ये वो क्षेत्र है जहां पे यूज नहीं किया गया है ना, और हमने पहला किट मंगाया और पहले किट से ही बहुत धमाकेदार हमारे को बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात आश्चर्य की यह है दोस्तों कि ये जो फसल है ये बारिश की फसल है, और बारिश की फसल में आप सब लोग जानते हैं कि वो बारिश पे डिपेंडेड होती है, और बारिश जिस दिन से हमने ये प्रोडक्ट इसमें यूज किया खेत में, उस दिन से बारिश नहीं हुई है, उस दिन से बारिश की एक बूंद भी नहीं आई है। अब आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ का जो बाजरा है, इसकी देखिए हाइट, देखिए देख पा रहे होंगे आप,
ये देखिए इसकी हाइट लेंथ है ना, और इसकी जड़ की भी मैंने अभी आपको बताई। ये वो जगह है जहाँ पे इसको यूज किया है, ये वो जगह है सर। हाँ ये है ना, तो यहाँ पे ये यूज किया गया है। अब चूंकि ये अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2-3 फीट होगी सर, 2.5 फीट, 2.5 से 3 फीट इसकी हाइट है। और जहां पे यूज नहीं किया गया था वहां पे तो मेरे को लगता नहीं अभी 1 फीट का, 1-1.5 फीट का भी पौधा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे पूरे खेत में ही मैं धीरे धीरे उस ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को पता चले। अच्छा एक बात और, ये चांदमल जी और इनके पिताजी मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक पौधे थे, सबसे ज्यादा वीक थे, है ना। अब देखिए मैं आपको जैसे ब्रांचेज की बात कर रहा था वो बताऊं, ये देखिए कितनी सारी ब्रांचेज एक ही पौधे में से निकली है। तो किसान की जो आमदनी है वो डायरेक्ट दोगुना होने वाली है। ये देखिए इसके पास में जो पौधा है, फिर इसके पास में और दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए। तो हर पौधे में इसी तरीके से ब्रांचेज निकली है। ये देखिए बहुत सारी ब्रांचेज यहाँ पे भी है, ये देखिए वो आगे देखिए, सब में ब्रांचेज में बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस आया है। उधर सिंगल ब्रांचेज है जबकि यहाँ मैं जितना भी देख पा रहा हूँ सब में 4-5-6 ब्रांच यहाँ मेरे को नजर आ रही है बाजरे की फसल में। तो बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। तिलों में भी फर्क पड़ा है, इसके पेड़ में भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अच्छा ये तिल है और बिना बारिश का है जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये बीच बीच में कहीं कहीं है इनके इसमें खेत में ही साथ में, और ये बता रहे हैं कि इसमें भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ इनको मिली है। ये जो तिल का पौधा मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, है ना, तो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बिना बारिश के आज लगभग 13-14 दिन हो गए पानी की एक बूंद नहीं गिरी है, बारिश नहीं हुई है, और उसके बावजूद ये फसल इतनी ज्यादा हेल्दी है। तो एक बार फिर से मैं, हाँ ये देखिए ये तिल के जितने भी पौधे हैं, ये देखिए, हाँ ठीक है, ये मेरे साथ में कैलाश जी आए हैं, और ये वो ट्रांसफार्मर जो मैंने शुरू से आखिरी तक आपको हर वीडियो में दिखाया है ताकि आप लोगों को ये लगे कि ये किसी दूसरे खेत की पिक्चर नहीं है, दूसरे खेत का वीडियो नहीं है। या ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, आपको अंतर खुद दिख रहा होगा। अगर मैं यहीं से ही वापस उसी तरफ मूव करूं जहां पे इसका यूज नहीं किया गया तो आप खुद देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दूर आगे चलते ही फसल बहुत ही कमजोर है, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, सिंगल ब्रांच के पौधे हैं, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रोथ की है। ये देखिए ये एक फिर से तिल का पौधा, बहुत अच्छा इसमें भी रिजल्ट आया है, बहुत शानदार तरीके से। तो आप दोनों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ये चांदमल जी हैं और ये चांदमल जी के पिताजी हैं, गांव इनका जावड़ा है और जिला नागौर है, और ये शुरुआत इन्होंने यहाँ से की है हमारे प्रोडक्ट को।